गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं जा रही हूँ आज शिमला। अभी जस्ट मैं निकली हूँ अपने रूम से, मुझे सोलन से शिमला जाना है। बाकी चलिए गाइस, चलते हैं। आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कितने मतलब सुंदर फ्लावर्स है। वेट, गाइस, जो ये जो मंथ होता है ना, मार्च में ना फ्लावरिंग होती है, तो मतलब इतना सुंदर होता है ना। मतलब अभी यहाँ तो फिर भी उतना नहीं देखने को फ्लावर्स वगैरह, बट जब मैं गांव में होती थी ना, तो गांव में बहुत मतलब जैसे कि आपके जो भी फ्लावरिंग वाले पेड़ है, जो भी फ्रूट्स देते हैं ना, तो उसमें इस टाइम फ्लावर्स लगते हैं और वो इतना सुंदर दिखता है, मतलब बहुत सुंदर होता है। तो अभी ग्रीनरी स्टार्ट होने वाली है, अब देख सकते हो। चलो चलो गाइज, मैं ना बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैं कर रही हूँ बस का वेट, बस नहीं आ रही है। शिमला का ओल्ड बस स्टैंड, तो यहाँ से अभी मुझे जाना है मॉल रोड। बाकी आप देख लो आज कितना प्यारा मौसम है। शिमला का लोकल मार्केट। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मॉल रोड। ये देखो, ये है स्कैनर पॉइंट वो पीछे। गाइस, दिस इज द मॉल रोड। गाइज, मैं जिससे मिलने जा रही हूँ आपको, अरे गाइज देखो, मुझे यहाँ कौन मिला रास्ते में चलते चलते, इसको मैंने उठा के लेके आई हूँ अपने साथ। तो इससे मिलो, ये है प्रिया शर्मा। हाँ, टॉप सेलर। प्रिया, एक बात बता मुझे, ये जो ये रखा है ना, ये यहाँ पे पीछे, ये क्या है? ये प्रेरणा देने के लिए है कि मास्क ना लगाए। हैं? बीजेपी की सरकार दोबारा मास्क ना लगाए, इसलिए यहाँ पे किसी ने मास्क नहीं लगाया। यस, मैंने तो ऐसा नहीं सुना पहले। अब नया खोला ना हमने शिमला में, सोलन वाले को क्या पता। क्या ये चर्च है शिमला का मॉल रोड पे, जो
क्राइस्ट चर्च है। इसको देखने के लिए लोग कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र से आते हैं। और मैं सोलन से आई हूँ। सोलन नहीं, जो मैं अभी तो सोलन से आई थी ना मैं, बेसिकली तो चुका। इस शख्स को कोई जानता है? एक बार ये पहले भी आया था हमारे ब्लॉग में। अभी नहीं, बाद में आएंगे, अभी लास्ट में। वाजपेयी नाम ही नहीं आता। प्रिया आजा, प्रिया आपको बताएगी, कुछ बताना चाहती है काफी टाइम से। ये अटल बिहारी वाजपेयी की अभी न्यू मूर्ति बनी है, और इसकी एक स्टोरी है कि जब इनकी डेथ हुई थी तो ये फ्लैग 7 दिन तक नीचे गिरा, उठाया नहीं। जहाँ पे प्रिया रहती है ना, वहाँ छोले भटूरे बहुत टेस्टी बनते हैं, है ना? तो प्रिया सबको इनवाइट कर रही है, करो कि प्लीज आए और यहाँ पे छोले भटूरे जरूर खाए। अगर नहीं खिलाएगी ना तो इसके घर को दिखा ही रही हूँ मैं, कहाँ इसका घर, तो इसको डंडे से मारना।